मध्य रेल के महाप्रबंधक अनिल कुमार लाहोटी ने शुक्रवार को नागपुर मंडल के इटारसी बैतूल आमला परासिया सेक्शन का वार्षिक निरीक्षण किया। सह महाप्रबंधक ने सहेली और कालाखार स्टेशनों के बीच सहेली पुल के निरीक्षण के साथ निरीक्षण की शुरुआत की और इसके बाद कालाखार घोड़ा डोंगरी खंड पर 130 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड रन संपन्न हुआ। घोड़ा डोंगरी स्टेशन पर महाप्रबंधक ने सर्कुलेटिंग एरिया पैनल, रिले रूम, सोलर प्लांट, रेलवे कॉलोनी और गार्डन का निरीक्षण किया। उन्होंने धाराखो में लेवल क्रॉसिंग गेट, कैच साइडिंग निरीक्षण के बाद टनल वायाडक्ट का निरीक्षण किया और धाराखो मरामझीरी सेक्शन पर ट्रैक मेंटेनेंस की गैंग यूनिट के साथ बातचीत की। उन्होंने मरामझीरी बैतूल खंड पर रोड अंडर ब्रिज का भी निरीक्षण किया। लाहोटी ने बैतूल स्टेशन पर वाणिज्य लेखा चिकित्सा आरपीएफ एवं राजभाषा विभागों द्वारा प्रदर्शित विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया। उन्होंने स्टेशन के सर्कुलेटिंग एरिया पैनल रूम, बुकिंग ऑफिस, कॉन्कोर्स और वेटिंग रूम का भी निरीक्षण किया। इसके बाद गुड शेड, ट्रैक मशीन साइडिंग, आरपीएफ कार्यालय और स्क्रैप लॉट का निरीक्षण किया। बैतूल स्टेशन पर लाहोटी ने सांसद बैतूल दुर्गादास उइके, विधायक ब्रह्मा भलावी, घोड़ा डोंगरी विधायक आमला डॉक्टर योगेश पंडागरे और जनप्रतिनिधियों से भी मुलाकात की और मीडिया से भी बातचीत की। महाप्रबंधक ने आमला में दुर्घटना राहत ट्रेन और दुर्घटना राहत चिकित्सा उपकरण का निरीक्षण किया। इसके बाद आमला बोरधई सेक्शन पर स्पीड रन और नवेगांव और हिरदागढ़ के बीच 929/400 से 930/600 किलोमीटर और 921/500 किलोमीटर पर कर्व का निरीक्षण किया। जुन्नारदेव स्टेशन पर महाप्रबंधक ने सर्कुलेटिंग एरिया पैनल रूम, वेटिंग रूम और क्रू लॉबी, आरपीएफ कार्यालय और हेल्थ यूनिट का निरीक्षण किया। शहर में लाहोटी ने यूनियनों, विभिन्न एसोसिएशन और मीडिया के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस अवसर पर नागपुर मंडल रेल प्रबंधक ऋचा खरे और मध्य रेल मुख्यालय के सभी विभागों के प्रधान प्रमुख अधिकारी और मंडल के शाखा अधिकारी भी उपस्थित थे। कॉन्फ्रेंस में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इसके पहले कि मैं आपको आज के निरीक्षण के बारे में बताऊं, आप ज़रूर मध्य रेल की परफॉर्मेंस के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। अप्रैल से अक्टूबर के दौरान मध्य रेल ने इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य पर इस वर्ष विशेष ध्यान दिया है और अप्रैल से अक्टूबर के दौरान 170 किलोमीटर से अधिक दोहरीकरण या मल्टी ट्रैकिंग के कार्य पूर्ण किए हैं, जो अभी तक के किसी भी वर्ष में सबसे अधिक है। इसी अवधि में 86 रूट किलोमीटर्स मेन लाइन और 55 ट्रैक किलोमीटर साइडिंग्स के विद्युतीकरण का कार्य भी पूरा किया गया है। नागपुर और अजनी स्टेशन दोनों के रीडेवलपमेंट का कार्य आरएलडीए को रेल मंत्रालय ने एंट्रस्ट किया हुआ है। तो जो नागपुर स्टेशन है, इन दोनों स्टेशंस का जो मास्टर प्लान है रीडेवलपमेंट का, वो एनिया कंसल्टेंट ने बनाया है। आप लोग उससे परिचित हैं ऑलरेडी। तो जो नागपुर के रीडेवलपमेंट का कॉन्ट्रैक्ट 17 अक्टूबर को अवार्ड हो गया है, जिसकी लागत लगभग 488 करोड़ रुपए है और ये 36 महीने का इसका कंप्लीशन पीरियड है, जिसमें कि ये कार्य पूरा किया जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर मैसर्स गिरधारी लाल कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड हैं, न्यू दिल्ली के। और इस स्टेशन के रीडेवलपमेंट की जो मेन फीचर्स हैं, आप उससे परिचित होंगे। जो प्रमुख फीचर है वो ये है कि इस स्टेशन में प्लेटफॉर्म्स के ऊपर 108 मीटर चौड़ा कॉन्कोर्स बनाया जाएगा, जिससे जो स्टेशन पे जितना भी क्राउडिंग और कंजेशन है पैसेंजर्स का, वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और यात्रियों को बहुत सहूलियत से स्टेशन उपयोग करने की सुविधा प्राप्त होगी। इसी प्रकार जो अजनी स्टेशन है, उसका भी आरएलडीए ने बहुत तीव्रता से कार्य करते हुए कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया है और हाल ही में 21 नवंबर को उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है लगभग 298 करोड़ रुपये की लागत से, और इसमें 40 महीने का कंप्लीशन पीरियड है। ये कॉन्ट्रैक्ट एक जॉइंट वेंचर कंपनी को अवार्ड किया गया है, जिसका नाम है मैसर्स की स्टोन इंफ्रा बिल्ड एंड ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, दो कंपनियों का जॉइंट वेंचर है। और इसमें भी इसी प्रकार से एलिवेटेड कॉन्कोर्स प्लेटफॉर्म्स के ऊपर से दिया जाएगा अक्रॉस द ट्रैक्स, जो कि 72 मीटर्स चौड़ा होगा। और दोनों स्टेशन पे जो हमारा स्टेशन है, वो मेट्रो के साथ इंटीग्रेट हो जाएगा और इसमें दोनों ओर एंट्री का प्रोविज़न होगा।
सब्सटेंशियली दोनों सेशंस बहुत ही अच्छे बन जाएंगे। कैमरा पर्सन अमोल के साथ अभिषेक पांसी, BCN न्यूज़ नागपुर।